एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात को कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको एक बार चेक कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा औसम था। और अगर देखकर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, साथ ही इस एपिसोड को लास्ट तक देखना क्योंकि एपिसोड के एंड में तुम्हें एक कोड मिलने वाला है जो कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो लिखना मत भूलना। का टाइम होता है जहाँ पर कोमोरा को छुट्टी मिल गया था और उसके बाद वो बाकी सब स्टूडेंट के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ही कोमोरा अपने आगे देखता है जहाँ पर एक लड़की बीच रास्ते में बैठी हुई थी। इसको देखकर कोमोरा शॉक्ड हो जाता है। कोमोरा अच्छी तरह से देखता है और उसके बाद उसको पता चलता है ये लड़की मिये है और वो बहुत ज्यादा अजीब सी बिहेव कर रही होती है। कोमोरा जान पाता है आज भी मिये के साथ उसके ग्लासेस नहीं है और इसलिए मिये कोई भी चीज को इतना अच्छी तरह से नहीं देख पाती है। खैर इसके बाद मिये एक कैद की तरह बिहेव करने लग गई थी जहाँ पर उसके पास एक बैग होता है। कोमोरा इसको देखकर पहले सोचता है उसके पास एक कैद है, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है ये कोई कैद नहीं है। और उसके बाद इधर एक हवा का चौका आता है जिससे वो बैग उड़ चुका था। मिये को लग रहा था वो उसका दोस्त है जो कि गायब हो चुका है और उसके कारण ही वो फिर से कह रही होती है तुम कहाँ पर चले गए। जहाँ पर इसी बात को सुनकर कोमोरा सोचता है उसको मिये को हेल्प करना होगा। कोमोरा जान गया था मिये के पास उसका ग्लासेस नहीं है तो इसलिए वो अब भी नहीं जानती वो एक ह्यूमन है या फिर एक बिल्ली। इसलिए कोमोरा भी मिये के साथ ऐसे बिहेव करने लग जाता है जो कि बहुत ज्यादा फनी सीन होता है। कोमोरा भी अब के टाइम में एक बिल्ली की तरह बिहेव कर रहा था और उसको देखकर मिये बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो कोमोरा को प्यार करने लग जाती है। कोमोरा इससे बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, साथ ही वो शर्मा गया था। खैर इसके बारे सीन आता है इसके बाद वाले दिन में। कोमोरा नॉर्मली स्कूल में आ जाता है, वो बहुत हैप्पी था क्योंकि आज भी मिये शायद से ग्लासेस नहीं लाने वाली। कोमोरा क्लास में आ गया था और इसके बाद वो अपने आगे देखता है जहाँ पर मिये के पास पहले से एक बंदा था जो कि उसके हेल्प कर रहा होता है। वेल इस बंदे का नेम था आजुमा और अगर आजुमा के बारे में कहा जाए तो ये उनके क्लास का एक स्टूडेंट है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। यानी हर किसी के रूम में एक ऐसा फेमस बंदा तो रहता ही है जो कि सब लड़की को बुला सकता है, यानी उसके पास इतना हिम्मत रहता है। तो कोमोरा के क्लास का वो बंदा यही था, यानी आजुमा होता है। और आजुमा को इधर देखकर कोमोरा गुस्सा हो चुका था। इसके बाद कोमोरा ऐसे ही उन दोनों को देखने लग जाता है जहाँ पर मिये भी आजुमा के साथ अच्छी तरह से बातें कर रही थी। कोमोरा अपने अंदर से हर्ट होता है लेकिन इसके बाद भी वो इधर कुछ भी नहीं कहता, वो उन दोनों को ऐसे फॉलो कर रहा था। यहाँ पर वो दोनों ऐसे बहुत टाइम तक बातें करता है, आजुमा बहुत सारा हेल्प कर देता है लेकिन आखिर में ये कहती है तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू कोमोरा। और इसी बात को सुनकर आजुमा कहता है मैं कोमोरा नहीं आजुमा हूँ। इसी बात को सुनकर मिये शर्माने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है मुझे माफ कर देना, वैसे कोमोरा एक बंदा है जो कि मेरा हमेशा हेल्प करता है, इसलिए मैं सोच रही थी आज भी वो बंदा तुम ही हो तो इसलिए मुझे माफ कर देना। आजुमा कहता है कोई बात नहीं है। वेल इसी बात को सुनकर कोमोरा हैप्पी हो चुका था। इसके बाद मिये कोमोरा को देख लेती है और इस सीन को देखकर कोमोरा भी शर्माने लग चुका था। आजुमा इस सीन का बहुत ज्यादा मचा लेता है और उसके बाद वो इधर से चला गया था। खैर इसके बाद सीन आता है इसके बाद वाले दिन का जहाँ पर मिये स्कूल में आ चुकी थी। मिये के दोस्त उसके पास आ जाता है और उसके बाद फोलो कहता है मिये क्या आज भी तुमने अपना ग्लासेस नहीं लाए। और उसके बाद मिये कहती है हाँ आज भी मैं भूल गई हूँ। को सुनकर उसके दोस्त गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो एक साथ कहने लग गए थे इसके बाद तुम सबको घूरने वाले हो जो कि अच्छा बात नहीं है, तुम्हें अपने ग्लासेस नहीं भूलने चाहिए। इसी बात को सुनकर मिये भी गुस्सा हो जाती है। खैर इसके बाद वो वॉशरूम में आके अपने आप को देखने लग जाती है, यानी वो क्या सच में सबको घूरती है। खैर इसके बाद कोमोरा भी अपने फ्रेंड के साथ क्लास में आ रहा था, वो कहता है मैं आशा करता हूँ आज मिये अपना ग्लासेस पहन के आई होगी। लेकिन इसके बाद ही वो मिये के पास आ चुका था और इसके बाद वो जान पाता है मिये ने आज भी कोई ग्लासेस नहीं पहना। ये भी कोमोरा को अचानक से देख लेती है, यानी वो कोमोरा को डायरेक्टली देख लेती है, वो उसको घूर नहीं रही थी। इस सीन को देखकर कोमोरा को हेवन वाला फील हो जाता है क्योंकि आज उसने मिये का एक ऐसा फेशियल लुक को देखा था जो कि ऑसम था, यानी ये उसको बहुत पसंद आता है और वो एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है। खैर इसके बाद वो देखता है ये उसको बुला रही थी, साथ ही वो फिर से घूरने लग जाती है और उसके कारण वो प्रेजेंट माइंड पे आ जाता है। लेकिन अभी वो उसी फेस को इमेजिन कर रहा होता है जो कि उसने अभी देखा था। और ऐसे ही शाम हो जाता है, वो अपने घर आ चुका था और उसके बाद वो रात को भी उसी सीन को सोचने लग गया था और ये सीन उसके लाइफ का परमानेंटली सेव हो जाता है, यानी वो उसको कभी भूल नहीं सकता। वेल इसके बाद वाले सीन में कोमोरा अपने स्कूल में आ चुका था जहाँ पर वो देखता है
आज मिये ने अपने ग्लासेस को पहना था। मिये ने आज अपना ग्लासेस भूला नहीं था। इस सीन को देखकर कोमुरा हैप्पी होता है। खैर इसके बाद कोमुरा और मिये एक साथ बात करता है, जहाँ पर मिये कहती है, एक सीन है, मैं अपने फ्रेंड के साथ हमेशा गेम खेलती हूँ, लेकिन मैं उसमें हमेशा हार जाती हूँ, तो इसलिए तुम मेरे साथ एक काम कर सकते हो, यानी उस गेम का प्रैक्टिस मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, तो क्या तुम करोगे? और उसके बाद कोमुरा इसके लिए मान जाता है। वेल, कोमुरा असलियत में ये गेम नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि वो मिये को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं होता। जहाँ पर मिये ने आज अपना ग्लासेस पहना है, यानी वो पहले की तरह हो चुकी है, तो इसलिए वो दोनों गेम में लग जाता है। जहाँ पर पहले कोमुरा जानबूझकर अपने आप को हरा रहा था, यानी वो गेम को बहुत इजीली ले रहा होता है, और इसलिए मिये भी गेम को बहुत इजीली खेल पा रही थी। लेकिन इसके बाद मिये जान पाती है कोमुरा अपना असली पावर नहीं लगा रहा, और अगर ऐसा होगा तो इधर मिये बहुत इजीली जीत लेगी और इससे उसका कोई भी प्रैक्टिस नहीं होने वाला, तो इसलिए वो कहती है, चाहती हूँ तुम गेम को ज्यादा हार्ड कर दो, क्योंकि इससे मेरा प्रैक्टिस भी होने वाला है, यानी मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल पाऊंगी, तो इसलिए कोमुरा तुम बात को समझो और प्लीज मेरे लिए गेम को हार्ड कर दो। और उसके बाद कोमुरा भी यही करता है। वो दोनों फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर गेम का स्पीड भी बहुत हो चुका था, और आखिर में कोमुरा इस गेम को बहुत इजीली जीत लेता है, और इससे मिये दुखी हो जाती है। वेल, इसके बाद मिये और कोमुरा एक साथ क्लीनिंग के काम में होता है, यानी वो लोग स्कूल को साफ कर रही थी, क्योंकि आज उनका ड्यूटी था। मिये ने अब के टाइम पर अपना ग्लासेस नहीं पहने थे, तो इसलिए उसको काम में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रही थी। कोमुरा मिये को देखकर बहुत हैप्पी होता है, और उसके बाद वो कह रहा था, ये टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं इस बात को जानता हूँ, इधर हम दोनों के अलावा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं इसका परवाह नहीं करता, यानी मैं मिये के साथ काम कर रहा हूँ और यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। वो ऐसे ही अपने मन में बातें कर रहा था। खैर इसके बाद वो देखता है मिये के पास से एक कॉकरोच आ चुका था। इसको कोमुरा कुकी कहता है, तो इसको भी हम लोग कुकी ही कहने वाले हैं। तो कुकी मिये के पास आ चुका था, साथ ही मिये ने कोई ग्लासेस नहीं पहना था, तो इसलिए वो उस कुकी को देख नहीं पाती, वो अपने काम में बिजी होती है, और इसको देखकर कोमुरा जान चुका था मिये के बॉडी में आ गया, तो ये उसके लिए बहुत बुरा बात होने वाला है। साथ ही मिये अगर ग्लासेस पहनती तो वो इससे बहुत डर जाती, तो इसलिए कोमुरा सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है। और इसके बाद वो देखता है वो कुकी मिये के पास आ रहा था, तो इसलिए कोमुरा कहता है, मिये तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। और उसके बाद मिये कोमुरा के बहुत पास आ चुकी थी, और वो कोमुरा को देखने लग जाती है। कोमुरा इस सीन को देखकर शर्माने लग जाता है, और उसके बाद कुकी चला जाता है कोमुरा के एक अलग से क्लासमेट के पास, और उसको देखकर वो क्लासमेट बहुत डर जाती है, और उसके बाद वो चिल्लाकर कहती है, इधर एक कॉकरोच है। वो इससे बहुत डर चुकी थी। वैसे क्या तुम भी कॉकरोच से डरते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। वेल, मैं इससे नहीं डरता। इसे साउंड को सुनकर मिये बहुत डर जाती है, वो कहती है कॉकरोच कहाँ पर है, और उसके बाद वो कोमुरा के पास आ जाती है और वो इसको हग कर देती है। जहाँ पर इस सीन को देखकर कोमुरा बहुत ज्यादा हैप्पी फील करता है, और ये भी सीन अब उसके मेमोरी से कभी इरेज नहीं होने वाला, यानी उसको बहुत अच्छा फील होता है। सीन आता है इसके बाद वाले दिन में, मिये बाथरूम में होती है, और उसके बाद ही दो लड़कियां एक साथ बात कर रही थी। जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं ना जाने वो लोग इस लेटर को कैसे ओचुना को देने वाले हैं। इसके बाद एक लड़की इधर से दौड़ने लग जाती है, और उसको देखकर वो भी दौड़ने लग गई थी, और उससे वो लेटर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो जाने नहीं पाती। खैर वो दोनों इधर से चले गए थे, और उसके बाद ही मिये बाहर आ जाती है, और इसके बाद वो देखती है नीचे कुछ गिरा हुआ था। मिये ने आज भी अपना ग्लासेस नहीं पहना था, तो इसलिए वो इसको देख नहीं पाती ये क्या चीज है। और इसी बीच इधर कोमुरा भी आ जाता है, और उसकी कहानी वो कहती है, कोमुरा क्या तुम मुझे कह सकते हो ये चीज क्या है। कोमुरा उस लेटर को उठाता है, और उसके बाद वो जान पाता है ये एक लव लेटर है, क्योंकि इसमें वो सिंबल है, और इसमें लिखा था ये आंचू माँ के लिए है। इसको देखकर कोमुरा एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो जान गया था ये नीचे गिरा हुआ है, तो इसकी कहानी ऐसा कोई बात नहीं है जो वो सोच रहा है। खैर इसके बाद मिये कहती है मुझे वो लेटर दो, मुझे वो लेटर दे दो, और इसके बाद मिये आ जाती है आंचू माँ के पास और वो लेटर दे देती है। इस सीन को देखकर कोमुरा बहुत डर चुका था, क्योंकि ये बात उसको ही पता है ये लेटर किसी और का है, लेकिन बाकी सब लोग यही सोचने वाला है मिये ने आचुमा को प्रपोज किया जो कि ये गलत है, तो उसकी कहानी वो इसी बात को सोच रहा था, और वो इससे बहुत ज्यादा डर जाता है। आचुमा भी यही सोचता है ये लेटर उसको मिये ने ही दिया है, इसलिए आचुमा उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो हंसने लग गया था। जहाँ पर इस सीन को देखकर कोमुरा बहुत गुस्सा होता है, वो अपने मन में कह रहा था ये गलत है, वो लेटर किसी और का था, बस मिये ने इसका हेल्प किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो वो लोग सोच रहे हैं ऐसा ही होने वाला है। मिये अपने प्लेस में आ जाती है, और उसके बाद कोमुरा भी अपने प्लेस में आ चुका था, जहाँ पर वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि सब लोग वही बात को सोच रही थी, यानी मिये आचुमा को चाहती है। वेल, इसी बीच मिये के पास वही दो लड़कियाँ आ जाते हैं, और उसके बाद वो दोनों लड़कियाँ कहते हैं
तो क्या तुम भी आचमा को चाहते हो, यानी उसको लाइक करते हो? मोना अपने मन में कह रहा था मिये ना ही कहने वाली है, लेकिन इसके बाद मिये कहती है वैसे हाँ मैं उसको लाइक तो करती हूँ। इसी बात को सब लोग सुन लेता है और उसके बाद वो लोग जान गई थी मिये आचमा को चाहती है, जहाँ पर इससे कुमरा को बहुत बुरा लगता है। उसने मिये के बारे में पहले डिसाइड किया था, यानी सोचा था वो सब बातें इधर गलत हो रही थी, यानी मिये किसी और ही बंदी को चाहती है और इसीलिए कुमरा बहुत दुखी हो जाता है। खैर ऐसे ही टाइम स्पेंड होने लग गया था और उसके बाद आचुमा उस लेटर को लेके बाहर आने लग जाता है, क्योंकि उस लेटर को उसको अकेले पढ़ना था। आचुमा बाहर चला जाता है और इसे कोई देखकर कुमरा सोचता है मुझे आचुमा के बारे में जानना होगा, तो इसलिए वो आचुमा को फॉलो करके उसके पीछे आ गया था। कुमरा पीछे से देख रहा होता है, ना जाने आचुमा इस लेटर को पढ़ के क्या रिएक्ट करने वाला है। कुमरा देखता है आचुमा उस लेटर को पढ़ के हंसने लग गया था और इस सीन को देखकर कुमरा बहुत ज्यादा अपसेट होता है और उसके बाद वो अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था। साथ ही वो अपने मन में कहता है किसी का भी नेम नहीं है, तो उसके कारण वो सोच रहा होगा ये मिये से ही आया है, लेकिन जो भी हो मैं इधर क्या ही कर सकता हूँ, यानी मैं अच्छा भी नहीं दिखता और जो लोग अच्छे दिखते हैं वो लोग किसी और ही बात को सोचते हैं जो कि मैं सोच नहीं सकता, यानी 100 बात का एक बात मुझे इधर कुछ भी नहीं होने वाला। और ऐसे ही कुमरा बहुत ज्यादा अपसेट होकर अपने प्लेस में आ जाता है। कुमरा अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर वो देखता है अब भी मिये के साथ वो लड़कियाँ आचुमा के बारे में बातें कर रही थी। ये सीन देखकर वो बहुत गुस्सा होता है, साथ ही वो अपने मन में कह रहा था ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा इधर कुछ भी नहीं हुआ था, लोग अलग ही बात को सोच रहे हैं। खैर इसके बाद वो अपने बेंच में आ जाता है और उसके बाद वो अपने मन में कह रहा था ना जाने मैं इधर क्या कर सकता हूँ, जैसे कि लोगों को लगने लगे ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, यानी वो लेटर मिये ने नहीं लिखा था। लेकिन इसके बाद वो अपने मन में ये भी कहता है लेकिन क्या ऐसा ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ, यानी आचुमा लुक्स में मेरे से बहुत आगे है, साथ ही स्पोर्ट में या फिर स्कूल का एक्टिविटी में वो मेरे से बहुत आगे है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा सिंपल बात है अगर मिये उसको लाइक करे, यानी इसमें मैं इतना ज्यादा टॉक नहीं होने वाला हूँ, यानी उसको तो सब लोग चाहते हैं, तो इसलिए मिये भी एक लड़की है, वैसे भी मेरे पास है क्या, साथ ही आचुमा के पास एक सेफर्ट भी है, तो इसलिए हो सकता है उसका प्रोफाइल मेरे से बहुत अच्छा है और इसलिए उसको मिये चाहती है, इधर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खैर इसके बाद वो ऐसे ही अपने बात में बिजी होता है और वो अपसेट हो चुका था। मिये इस सीन को नोटिस करती है और उसके बाद वो कुमरा के पास आकर कहती है कुमरा क्या तुम सही हो, यानी तुम बहुत ज्यादा अलग से लग रहे हो, और उसके बाद कुमरा कहता है हाँ मैं सही हूँ। ये कहती है क्या तुम रो रहे हो, और उसके बाद कुमरा कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं एक बात को सोच रहा था, वैसे मैं तुमसे एक बात भी करना चाहता हूँ, यानी क्या तुम आचुमा को पसंद करते हो? मैं ये कहती है आज ये बात मेरे से बहुत लोगों ने किया है, यानी सब लोग मुझे यही बात कह रहे हैं क्या मैं आचुमा को पसंद करती हूँ। कुमरा अपने मन में सोच रहा था ना जाने वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। खैर इसके बाद वो ऐसे कह देता है, जहाँ पर इसी बात को सुनकर मिये कहती है पहल अगर सच्ची कहा जाए तो इन दिनों में तुमने मेरा बहुत हेल्प किया, यानी मैं तुमसे बहुत अटैच हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ, और वह ऐसे अपने बातों को कह रही थी। जहाँ पर इसी बात को सुनकर कुमरा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो सोच रहा था मिये ने अभी क्या कहा है। इसी बीच इधर आचुमा आ जाता है और उसके पास उस लेटर का रिप्लाई था, यानी वो इसका रिप्लाई कहने वाला है। कुमरा आचुमा को इधर देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका बात बन ही रहा था, साथ ही अब उसका रिप्लाई भी आने वाला है, तो इसके बाद हो सकता है मिये उसके पास से चला जाए। कुमरा के लिए ये गेम बहुत हार्ड होता जा रहा था, जहाँ पर वो सोच ही नहीं पा रहा था ना जाने मिये किसको सिलेक्ट करने वाली है। इसके बाद आचुमा इधर आ जाता है और उसके बाद वो कहता है इसके बाद आचुमा कहता है मेरे पास तुम्हारा रिप्लाई है, और उसके बाद वो अपना लेटर मिये को दे देता है, जहाँ पर मिये ने आज भी अपना ग्लासेस नहीं पहना था, तो इसलिए वो कहती है कुमरा प्लीज तुम्हें लिए ये पढ़ दो। आचुमा कहता है तो यही कुमरा है, और उसके बाद कुमरा कहता है हाँ मैं ही कुमरा हूँ। आचुमा कहता है वेल तुम इसको पढ़ सकते हो, और उसके बाद कुमरा बहुत ज्यादा ही डरते हुए उस लेटर को ओपन करता है और वो बहुत ज्यादा ही शॉक भी था क्योंकि ना जाने इसके बाद क्या होने वाला है, आचुमा ना जाने क्या रिप्लाई देने वाला है। फिर उसने ऐसा लिखा कि वो भी मिये को बहुत ज्यादा लाइक करता है, तो उसके बाद मिये उसके पास से जाने वाली है, ये क्लियर था, तो इसलिए कुमरा बहुत डरा हुआ होता है। खैर इसके बाद कुमरा उस लेटर को ओपन करता है जहाँ पर लिखा हुआ था मुझसे ज्यादा तुम्हें कुमरा चाहता है। कुमरा उस लेटर का रिप्लाई देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो देखते हैं आचुमा को जहाँ पर वो हंसते हुए इधर से चला गया था। कह रही होती है लेटर में क्या लिखा है, जहाँ पर कुमरा कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, यानी उसके पास इसका कोई भी रिप्लाई नहीं होता, वो इधर क्या कहने वाला है, तो इसलिए वो इस बात को टाल देता है। लेकिन जो भी हो वो जान गया था आचुमा कोई बुरा बंदा नहीं है।
अचुमा को पता चल गया था कोमुरा मिये को बहुत ज्यादा चाहता है, तो इसलिए वो उन दोनों के बीच से बाहर आ जाता है और ऐसे एपिसोड का एंड हो चुका था। तो इसके बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, जो कि अगर जानना है तो तुम लोगों को इसके बाद वाले एपिसोड के लिए वेट करना होगा। आज का कोड है D1X, जो कि तुम लोग लिखना मत भूलना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक ले बाय, जय हिंद, सायोनारा।